हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट। ये कंपनी के अंदर बोरोड कैपिटल के थ्रू लाया जाता है। कंपनी में लोन या बोरोड कैपिटल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए लाया जाता है। उसी में से आज का जो टॉपिक है वो है पब्लिक डिपॉजिट, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस में इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। कंपनियाँ अपने कंपनी में जब भी उन्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो शॉर्ट टर्म में भी कैपिटल रिक्वायर करती है, एक्वायर करती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पब्लिक डिपॉजिट। ये पब्लिक डिपॉजिट हम जनरल पब्लिक से बुलाते हैं। ये इसका पीरियड जो होता है वो 6 मंथ टू 36 मंथ होता है, यानी हम 6 महीने से लेके 3 साल तक के लिए कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट इन्वाइट कर सकते हैं। जनरल पब्लिक को बोल सकते हैं कि हमारे कंपनी में डिपॉजिट कीजिए। डिपॉजिट यानी होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। डिपॉजिट एक प्रकार से सेविंग अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। जैसे कोई भी आम जनता अपना बैंक अकाउंट ओपन करके बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, जैसे सेविंग में, आरडी में, करंट अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में जैसे पैसा रखा जाता है, वैसे ही कंपनियों में भी आप अपना पैसा डिपॉजिट करके रख सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपनियों को जब भी फाइनेंस की जरूरत होती है वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि हमारे कंपनी में आप अपनी डिपॉजिट रखिए, यानी अपनी सेविंग रखिए, जिसके ऊपर आपको फिक्स रेट से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। डिपॉजिट सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। जो भी पर्सन या जो भी जनरल पब्लिक हमारी कंपनी में डिपॉजिट रखने आएगी उन्हें एज अ एविडेंस डिपॉजिट रिसीप्ट दिया जाता है। यानी आप समझ चुके हैं कि डिपॉजिट यानी क्या। डिपॉजिट मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर रनिंग पीरियड 6 मंथ टू 36 मंथ। यानी जो भी पैसा कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग और वो अनकंडीशनल होता है, उसके ऊपर कोई भी कंडीशंस नहीं होती है, बस एक ही कंडीशन होती है कि वो मिनिमम पीरियड 6 मंथ का होना चाहिए और मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ का होना चाहिए। ना हम उससे कम के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना 36 मंथ से ज्यादा के लिए। और क्लियर निकाल लेता है इट इज अ पब्लिक डिपॉजिट, यानी डिपॉजिट रिसीप्ट जो एविडेंस करके इन्वेस्टर को दी जाएगी वो भी हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं, उनको भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। और आप ये भी समझ चुके हैं कि डिपॉजिट क्या होती है, सिक्योर डिपॉजिट भी हो सकती है, अनसिक्योर भी हो सकती है। लेकिन डिपॉजिट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए, जैसे कि कोई भी कंपनी जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उन्हें क्लियर मेंशन करना होगा इट इज एन पब्लिक डिपॉजिट, उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ। तो आप 12 मंथ के लिए भी रख सकते हैं, 18 मंथ के लिए भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और 36 मंथ के लिए भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट आपको ये क्लियर बताना जरूरी होता है। तो डिपॉजिट मतलब क्या, एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इन कंपनी बाय जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा इनको इनवाइट किया जाता है, फिर ये हमारे क्रेडिटर बन जाता है। अगर कोई पर्सन हमारे कंपनी में क्या रखता है, डिपॉजिट रखता है, तो वो कौन बन जाएगा, हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। यानी उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना बनता है जब तक उसकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं खत्म हो जाता। जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो गया उसकी डिपॉजिट हमें क्या करनी पड़ेगी, रीपे करनी पड़ेगी। कंडीशन ये भी है कि रीपे भी की जाती है, रिन्यूअल्स भी की जाती है। तो ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है कि कंपनी में ये डिपॉजिट कितने साल के लिए एक्सेप्ट करनी है। जब भी कंपनी को फाइनेंस की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, तब डिपॉजिट इनवाइट की जाती है जनरल पब्लिक द्वारा। अब ये डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है यही से समझते हैं। तो डिपॉजिट का मीनिंग एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी ने एक सेक्शन दिया है, कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, डिपॉजिट्स इंक्लूड एनी रिसीप्ट ऑफ मनी बाय द वे ऑफ डिपॉजिट और लोन। डिपॉजिट एक प्रकार से क्या है, लोन है। एनी डिपॉजिट और लोन इन एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी बट नॉट इंक्लूडेड इन सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेंट विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ कंडीशंस दिए, वो अमाउंट छोड़ के एनी डिपॉजिट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और लोन इन एनी अदर फॉर्म, फिर वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, बट कुछ ऐसी कंडीशन जिसके अंदर
not included category of amount as may be prescribed in consultants of RBI. कुछ RBI ने consult किए हुए categories को छोड़ के any amount deposited or loan from general public received by company called deposit. यानी deposit में कोई भी amount या loan हो सकता है जो शॉर्ट टर्म के लिए लाया जाता है, जिसका ड्यूरिंग द पीरियड कितना होता है 6 मंथ टू 36 मंथ। इस टाइम के लिए जितना भी लोन या डिपॉजिट जनरल पब्लिक डिपॉजिट करती है उससे ही कंपनी डिपॉजिट बोलती है। तो आप मीनिंग समझ गए। तो ये आरबीआई ने क्या कंसल्ट किया, कौन सी अमाउंट एज अ डिपॉजिट हमें नहीं लेनी है वो हम समझ लेते हैं। तो उसमें दिया है द अबव एक्सप्रेशन हैज बीन फर्दर इलैबोरेट by rule 2 sub rule section c of the company's acceptance of deposit rule 2014. company acceptance deposit mein rule 2014 follow karti hai company. this rule provided that deposit means any receipt of money in the form of deposit or loan by company. however deposit does not included followings. डिपॉजिट में कोई भी अमाउंट आ सकती है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक और एनी अदर मींस, बट उसमें डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग्स। ये पॉइंट जो 8 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं ये डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो ये कौन से है ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से भी लोन लिया जाता है, लोन मिलता है, तो क्या उसे डिपॉजिट बोला जाएगा? नहीं। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट कॉल डिपॉजिट। डिपॉजिट सिर्फ जनरल पब्लिक से ही की जाती है और जनता अपनी सेविंग जब कंपनी में डिपॉजिट करती है तब वो डिपॉजिट कहलाती है। दूसरा है एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी। अगर बैंकिंग कंपनी, हम बैंक से लोन लेते हैं या कोई बैंकिंग कंपनी से लोन लेते हैं वो भी हमारे लिए डिपॉजिट नहीं होगा। डिपॉजिट रिसीप्ट में क्लियर लिखा जाता है कि इट्स डिपॉजिट एंड अनकंडीशनल टर्म्स, यानी ये जनरल पब्लिक से ही ली गई है ऐसा क्लियर मेंशन किया जाता है। बैंकिंग कंपनी से भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो लोन कहलाया जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक। अगर फॉरेन गवर्नमेंट से भी कोई डिपॉजिट आती है या लोन लिया जाता है तो उसे भी हम डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। आप दूसरी कंपनियों से अगर लोन लेते हैं, अगर हमारी स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी, हम बड़ी कंपनी से लोन वगैरह लेते हैं या पैसा रिसीव्ड होता है तो वो भी डिपॉजिट नहीं कहलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनी अमाउंट राइज बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर की टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती है, वो कैसे निकाला जाता है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एनी अमाउंट राइज बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर इट्स नॉट कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। एनी अमाउंट राइज बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स तो अलग ही डॉक्यूमेंट होता है, हम बॉन्ड्स के लिए भी अलग से सिलेबस दिया है आपके लिए, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। यानी एनी अमाउंट राइज बाय इशू ऑफ बॉन्ड शुड नॉट कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। देन एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ ट्रस्ट। ट्रस्ट द्वारा अगर कोई ट्रस्टीज हमारी कंपनी में पैसा देते हैं एज अ लोन तो वो भी डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। एंड लास्ट है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर शेयर्स और डिबेंचर में पैसा रिसीव्ड हो रहा है तो डेफिनेटली ओन कैपिटल हो जाएगा शेयर कैपिटल, और बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स तो अलग ही है तो वो भी नहीं। यानी कि डिपॉजिट्स क्या होती है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर शॉर्ट पीरियड फ्रॉम रैंकिंग पीरियड कितना है 6 मंथ टू 36 मंथ। डिपॉजिटर्स हमारे कौन बन जाते हैं, क्रेडिटर बन जाते हैं। डिपॉजिटर को क्या दिया जाता है, डिपॉजिटर बोला जाता है। देखो शेयर परचेस करने वाले को शेयर होल्डर, डिबेंचर परचेस करने वाले को डिबेंचर होल्डर, और डिपॉजिट में पैसे लगाने वाले को डिपॉजिटर, यानी भी हमारे क्रेडिटर हो जाते हैं। इनको भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। डिपॉजिट में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, कंपनी क्लियर मेंशन करेगी कि दिस डिपॉजिट इज सिक्योर्ड और नॉट। तो आप समझ चुके हैं डिपॉजिट का मीनिंग, डिपॉजिट में क्या इंक्लूड नहीं होता वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट का ड्यूरेशन कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना होता है, डिपॉजिट का पीरियड होता है मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 36 मंथ। डिपॉजिटर हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। डिपॉजिट के ऊपर क्या दिया जाता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है।
डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए लाया जाता है कंपनी के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये सारे पावर दिए गए। तो आप समझ चुके हैं कि डिपॉजिट यानी क्या होता है, ये आपको 12th के सिलेबस में शॉर्ट नोट्स में जरूर आता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। होपफुली आप लोगों को ये डिपॉजिट समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।